ये है प्लेक्सटॉन की तरफ से G20 गेमिंग बीस्ट हेडफोन्स। इसे खास तौर पे गेमिंग के लिए डिजाइन किया गया है और इसका साउंड क्वालिटी काफी कमाल का है। इस वीडियो में हम इसका अनबॉक्सिंग करेंगे, साथ ही साथ इसका गिव अवे करेंगे। सो हाय गाइस, आई एम अरफात एंड वेलकम टू वेब टेक। तो दोस्तों, फाइनली हमारे पास आ चुका है प्लेक्सटॉन की तरफ से दो हेडफोन्स, जिसमें से एक शायद आप में से किसी एक लकी विनर को मिल सकता है। कैसे मिलेगा वो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो के बीच में मैं आपको बताऊंगा इस गिव अवे में कैसे पार्टिसिपेट करना है। सो गाइस, विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं फटाफट से। दोस्तों, सबसे पहले हम इसका अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। दोस्तों, अगर हम बॉक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं पूरा सील पैक्ड आता है और यहाँ पर प्लेक्सटॉन का ब्रांडिंग है। यहाँ पर हैमबरिंग इन द बेस, मोर ड्यूरेबल, मोर स्टेबल, और यहाँ पर G20 गेमिंग हेडफोन लिखा हुआ है। लेफ्ट साइड में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 3.5 mm एल से प्लग लिखा हुआ है और यहाँ पर माइक्रोफोन विथ HD वॉइस, यानी यहाँ पर आपको HD रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिलने वाला है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेबल केबल मिलता है और आखिर में यहाँ पर आपको एंटी नॉइज, मतलब नॉइज कैंसिलेशन आपको जो ईयरफोन से वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। राइट साइड में आपको वही सेम डायलॉग लिखा हुआ है, मोर ड्यूरेबल मोर स्टेबल। पीछे की तरफ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, जो बॉक्स पर प्राइसिंग है 2500 के आसपास यहाँ पर प्राइसिंग है, मगर ये ओरिजिनल प्राइस नहीं है। मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा इसका एक्चुअल प्राइस क्या है। यहाँ पर बहुत सारे लैंग्वेज में इसका स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है। तो चलिए, सबसे पहले हम इसको अनबॉक्स करते हैं। तो जैसे हम इसको अनबॉक्स करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसको टांगने के लिए एक ऐसा कुछ फ्लिक मिलता है, इसके आप अपने कुछ कील के ऊपर इसे ऐसे टांगा के रख सकते हैं घर पे। तो चलिए हम इसे फिलहाल ओपन करते हैं, देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या कुछ देखने को मिलता है। तो जैसे ही हम इसको बाहर निकाले, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की तरफ कुछ गिर गया। यहाँ पर शायद कुछ यूज़र मैनुअल है, हाँ जी हाँ, यहाँ पर यूज़र मैनुअल इंग्लिश, चाइनीज़ और भी सारे लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा हुआ है इसका यूसेज। और यहाँ पर आपको एक वारंटी कार्ड मिलता है जो इंग्लिश और चाइनीज़ बोथ में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको 1 ईयर का लिमिटेड वारंटी मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 डेज के अंदर कुछ भी फॉल्ट हुआ तो आप रिटर्न कर सकते हैं। इसे हम साइड में रखते हैं। तो हेडफोन को यहाँ पर तो आपको मेटालिक देखने को मिलता है, देखते हैं यहाँ पर और क्या कुछ देखने को मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिलता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिलता है, मगर यहाँ पर ये वाला जो ईयर टिप्स है ये काफी डिफरेंट है। यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं इसको, ये जो ईयर टिप्स है दोस्तों, ये कुछ अलग किस्म का बना हुआ है, मतलब इसे प्रेस करेंगे तो उसी शेप में आ जाता है। मतलब अगर आप इसको अपने कानों के अंदर डालेंगे तो आपका कानों के हिसाब से ये एडजस्ट हो जाएगा, मतलब ये नॉइस कैंसिलेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा मेरे ख्याल से। दोस्तों, देखते हैं इस पैकिंग के अंदर और क्या कुछ देखने को मिलता है हमें। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको देख सकते हैं एक ऑडियो स्प्लिटर देखने को मिलता है हमें। अगर आप पीसी में यूज करना चाहते हो तो इसे भी यूज कर सकते हैं आपके पुराने पीसी में। ऐसे देख सकते हैं हमारे पुराने पीसी में ऑडियो और माइक के लिए दो अलग अलग पोर्ट रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वैसे ही सेम, यहाँ पर ऑडियो के लिए एक और माइक के लिए एक अलग अलग हेडफोन का पोर्ट दिया गया है। यहाँ पर आप इसे स्प्लिट कर सकते हैं, मतलब अपने पीसी में आप इसे आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। और दोस्तों, आखिर में हमें और एक एक्सटेंशन कॉर्ड मिलता है, अगर आपका CPU कहीं दूर रखा हुआ है या फिर आप अपने TV में कनेक्ट करना चाहते हैं, हेडफोन का जो वायर है उसे आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसे साइड में रखते हैं और हमें आगे बढ़ते हैं हमारा मेन यूनिट की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हेडफोन है, राइट और लेफ्ट का यहाँ पर मार्क दिया हुआ है और पीछे की तरफ यहाँ पर स्पाइडर, शायद ये कंपनी का लोगो है। और यहाँ पर एक ईयर टिप्स ऑलरेडी इंसर्ट है, देख सकते हैं पूरा मेटल किस्म का लग रहा है मुझे। और यहाँ पर ऊपर की तरफ एक छोटा सा होल है, शायद ये नॉइस कैंसिलेशन के लिए हेल्प करता होगा। तो यहाँ पर जो वायर है ये काफ़ी स्टेबल है, जैसे आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक कंट्रोलर मिलता है। दोस्तों, ये जो दो ईयर क्लिप आपको देखने को मिलता है, ये इस हेडफोन में कैसे इंसर्ट करते हैं हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको इसे ओपन कर लेना है इस तरह से, और ये जो ईयर क्लिप है इसे इस तरह से लगा देना है, हो गया। सिंपली इसे भी इस तरह से ओपन कर लेना है और इसे इस तरह से लगा देना है।
और दोस्तों यहाँ पर आपको एल सेप 3.5 mm प्लगइन मिलता है जो काफी यूजफुल है। तो ये जो एल सेप है इसका बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छा मेरे को लग रहा है। अगर आप इसे अपने फोन में इंसर्ट करेंगे तो इसमें दिक्कत काफी कम होगा। अगर आप पबजी वगैरह खेलने जाते हैं तो इसमें बहुत आसानी से आप देख सकते हैं, पबजी खेल सकते हैं। दोस्तों अगर आप अपना वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहता हूँ। दोस्तों सबसे पहले अगर हम इसका डिजाइनिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं काफी कमाल का डिजाइनिंग मिलता है। यहाँ पर जो ईयरबड्स आपको मिलता है यहाँ पर फुल मेटल का मिलता है, बैक में आपको मैग्नेटिक देखने को मिलता है जो ऐसे चिपक जा रहा है, और ऊपर की तरफ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा दो होल्स मिलता है जिसमें से नॉइज कैंसिलेशन के लिए हेल्प करता है। और यहाँ पर जो एक ग्रिप है ये आपको कानों के अंदर पकड़ने के लिए आपको हेल्प करता है, जैसे कि आप जितना भी हिलाएंगे ये गिरने वाले में से नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर ये जो वायर है ये काफी स्टेबल वायर है, मैंने लास्ट 7 डेज से इसे यूज किया हूँ तब जाके आज रिव्यू कर रहा हूँ मैं इसका। और यहाँ पर जो स्टेबल वायर मिलता है ये उलझाता नहीं, आप जितने भी कोशिश कर लो ये बहुत ही कम मतलब बिल्कुल भी उलझाएगा नहीं। और दोस्तों यहाँ पर एक कंट्रोलर मिलता है जिसमें से एक बटन आपको मिलता है जो मल्टीटास्किंग है, और एक वॉल्यूम अप एंड डाउन का स्लाइडिंग मिलता है जैसे कि आप देख सकते हैं, इसे ऊपर करेंगे तो साउंड इंक्रीज होगा, नीचे की तरफ करेंगे तो साउंड लो होगा। और दोस्तों यहाँ पर जो एक बटन मिलता है इसे सिंगल टैप करेंगे तो म्यूजिक पॉज होगा या फिर प्ले होगा, अगर आप इसे डबल टैप करते हैं तो यहाँ पर आपका म्यूजिक नेक्स्ट प्ले होगा, अगर 3 बार इसे प्रेस करेंगे तो प्रीवियस वाला म्यूजिक प्ले होगा। और दोस्तों इनकमिंग कॉल आता है तो इसे आप प्रेस करेंगे तो कॉल रिसीव हो जाएगा, और इसे दोबारा प्रेस करेंगे तो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों इसे आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपका मोबाइल में गूगल असिस्टेंट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। दोस्तों अगर हम इसका साउंड क्वालिटी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साउंड आपको सुनने को मिलता है। और दोस्तों अगर हम बेस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा बेस सुनने को मिलता है। अगर आप हाई बेस वाला सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं तो जरूर से आप इस हेडफोन को चेकआउट कर सकती है क्योंकि आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। दोस्तों इससे मैंने लास्ट 7 डेज से मेरे लैपटॉप में और गेमिंग के लिए या फिर वीडियो एडिटिंग के लिए यूज करूँ, मुझे काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिला। अगर हम पबजी की बात करते हैं स्पेशली तो यहाँ पर आपको हर एक बुलेट का साउंड आराम से मिलता है। फुट स्टेप्स का जो साउंड मुझे मेरा प्रीवियस वाला हेडफोन में उतना अच्छा नहीं मिलता था, इसमें से हर एक स्टेप्स आपको सुनने को आता है राइट या लेफ्ट कौन सी तरफ है या फिर आपके बाजू वाले बिल्डिंग में है, तो आप आराम से इसमें इस हेडफोन को यूज करके अपना पबजी में चिकन डिनर कर सकते हैं। दोस्तों इस हेडफोन में के साथ आता है HD रिकॉर्डिंग सर्विस, तो आज हम टेस्टिंग करने जा रहे हैं तो मैंने इसको अपने फोन के साथ कनेक्ट कर लिया और यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया हूँ। हेलो गाइज, मेरा नाम है अरफात और आप देख रहे हैं वेबटेक। इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो गाइस, मेरा नाम है रफात और आप देख रहे हैं वेबटेक। इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों इसका HD रिकॉर्डिंग क्वालिटी आपने सुन लिया होगा, कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। और दोस्तों अगर हम प्राइसिंग की बात करते हैं तो ये हेडफोन जो है 3 कलर्स में अवेलेबल है, दैट इज ग्रीन, रेड और ब्लैक। अगर हम प्राइसिंग की बात करते हैं तो ये जो ग्रीन कलर का हेडफोन है ये आपको 1200 रुपीज में मिलेगा, ब्लैक कलर का हेडफोन है वो आपको 1300 रुपीज पर मिलेगा, और जो रेड कलर का हेडफोन है वो आपको 1400 रुपीज पर अमेजोन पर मिलेगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों इस बार हम गिव अवे के रूल्स बहुत इजी रखा हूँ, सिंपली यहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और एक कमेंट आपको इस वीडियो में करना है इस हेडफोन से रिलेटेड कैसा लगा। और दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना है क्योंकि रिजल्ट वहाँ पर ही आने वाला है शायद। और दोस्तों यहाँ पर और एक कंडीशन है, इस वीडियो में विदिन 30 डेज अगर हमें 500 लाइक्स मिलता है मैं उसी दिन इसका गिव अवे कर दूंगा। तो पुराना वाला गिव अवे मैं यूट्यूब पर लाइव किया था, अगर आपने वो नहीं देखा यहाँ से देख सकती है, वो शायद राहुल जीता था। दोस्तों इस वीडियो को आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और उसे भी कहिए इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल।